हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैं हूं मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूं, सबसे पहले जान लेते हैं उसका टाइटल। एंड द वीडियो टाइटल इज व्हाई मुस्लिम्स इन ट्रबल एफटी हमजा शेख, और इनके चैनल का नेम भी है हमजा शेख। आज मैं इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो जल्दी से देख लेते हैं वीडियो। अब आप लोग एक क्वेश्चन करोगे, सर कि आप डिस्कशन तो बड़ी कर रहे हैं, सो टेल मी अबाउट वन फैक्ट कि मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है, या मुसलमानों पर आदाब है, या ऐसे है या वैसे है। तो सर हमें ये बताएं कि दुनिया में अगर मुसलमानों पर आदाब है तो बाकी जो लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, उनका दुनिया पर कब्ज़ा है और वो गालिब है दुनिया पर, तो वो तो अल्लाह ताला के खुले नाफरमान हैं। हम तो फिर भी कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा हज का, वो दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं और हम जो हैं अल्लाह की कुछ ना कुछ बातें मान के भी जो है जो हम जलील हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अज़ाब जो है ना वो मुसलमानों पर क्यों आता है, ये मुसलमानों के लिए ये चीज़ क्यों है। देखो, आप अगर फॉर एग्जांपल सफ़ा इंस्टीट्यूट में आ गए हो ना, जब तक आपने मुझे फॉलो किया हुआ है आपके लिए कोई रूल नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने सफ़ा इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा लिया, अब आपको पॉलिसीज़ दी गई हैं, आपने उसको एग्री किया है, ठीक है। अब आप जब एग्री करने के बाद उसको तोड़ोगे तो फिर आप पर मुसीबत आएगी। ऐसा ही है ना, मुसीबत आएगी क्योंकि आपने उसको एक दफ़ा एग्री किया है अच्छी तरह, लेकिन अब आप उस पर जो है उसके एंटी चल रहे हो। तो जब मुसलमान जो है, एक इंसान जब ये दावा कर लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा मेरा कोई रब नहीं है, अल्लाह मुझे पालने वाला है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह ही मेरा खालिक है, अल्लाह ही मेरा गार्डियन है, मैं अल्लाह का सर्वेंट हूँ, तो फिर उसको क्या इख्तियार है कि जब उसने एक तरफ ये दावा कर लिया तो वो फिर अपने नफ्स को अपना खुदा बना ले, दूसरे लोगों को अपना खुदा बना ले, वो काफिरों को अपना खुदा बना ले, वो तरीका उस अल्लाह का तरीका छोड़ दे जिसका उसने दावा किया और दूसरे लोगों के तरीके को इख्तियार कर ले, उसका ये तुक नहीं बनता। और अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी बात से फिर गया है, उसने अपनी बात को छोड़ दिया है फिजिकली वर्बली, क्योंकि इस्लाम इज़ अ नाउन, इस्लाम इज़ अ नाउन। पीपल से दैट कि इस्लाम जो है वो नाउन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब एक इंसान ने ये दावा कर दिया और लोग, हाँ, पीपल से दैट कि इस्लाम इज़ अ नाउन, नाउन होता है, इस्म होता है कि मुंह से कहना, वो वर्ब क्या होता है, फेल क्या होता है, फेल होता है काम करना। सो आई वॉन्ट टू टेल यू द रियल कॉन्सेप्ट दैट इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अ नाउन, इस्लाम इज़ अ वर्ब, इस्लाम फेल का नाम है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है लिमा तकूलून मा ला तफालून। पुराने दौर में भी लोग थे मुनाफिकीन जो दावा तो इस्लाम का करते थे लेकिन काम उल्टे करते थे। तो अगर हम जायज़ा लें तो आज हमारे भी कुछ ऐसे ही हालात हैं कि हम दावे बड़े करते हैं लेकिन वी डोंट हैव बिलीफ ऑन अल्लाह सुबहान व तआला, वी डोंट हैव बिलीफ, हमारे अंदर ये ईमान नहीं है कि अल्लाह हमारा, सॉरी टू से अनफॉर्चुनेटली इट्स अ रियलिटी, नो पीपल हैव बिलीव वर्बली, किसी को ये सच्चा यकीन नहीं है कि मैंने मरना है, किसी को ये भी नहीं अभी बैठे हुए यकीन कि रात को मैं सोऊंगा और सुबह नहीं उठूंगा, किसी को ये भी यकीन नहीं है। अगर किसी को सिर्फ यही यकीन हो ना 100% ही इज एग्रीड कि मैं रात को सोया और मैं सुबह को ना उठ पाया, मैं अगर मर गया
या मैं गाड़ी में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, और मैं अगर मर गया, अगर किसी को सिर्फ ये यकीन हो जाए ना, तो उसका इस टाइम से लेके सोने तक वो कुरान पढ़ता रहेगा, वो कुछ गलत नहीं करेगा, वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जो कि आगे उसके लिए मुसीबत बने या जिसका खमियाजा उसको भुगतना पड़े। अगर किसी इंसान के अंदर सच्चा ईमान और यकीन हो कि अल्लाह मेरा रब है, क्योंकि सारे यकीन शुरू ऐसे होते हैं कि अल्लाह मेरा रब है ना, जब किसी जिसने कह दिया कि अल्लाह मेरा रब है, तो जब आपने अल्लाह को रब मालिक कह दिया, अल्लाह के आगे आपने हैंड्स अप कर दिए, शहादत दे दी, तो फिर अब अल्लाह ने जो कहा है वो सब सच है, तो उस सब पे ईमान रखना है आपने, ए टू जी सारी बातों पे ईमान रखना है, बात माननी है, यकीन रखना है। तो कहने को हम यकीन रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैडली वी डोंट बिलीव ऑन दीज टाइप ऑफ थिंग्स। हम सिर्फ बातों से अपने आप को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं, और इस बात को टालते रहते हैं, और वो वक्त आ जाता है कि ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में हमारे अजीज़ों की कब्र के साथ हमारी भी कब्र खोद दी जाती है। ठीक है, तो जब कोई मुसलमान इस शहादत में ऐड हो गया कि उसने एक पॉलिसी को साइन कर दिया कि अल्लाह मेरा रब है, तो अब अल्लाह की जब वो अहकाम को तोड़ेगा तो उस पर मुसीबतें और अदाब आएगा, क्योंकि उस वो मुनाफिकत की तरफ जा रहा है। उसने एक वादा किया, एक अहद लिया, और अब अचानक वो उस अहद को तोड़ है, तो फिर जब वो अहद को तोड़ेगा तो फिर उस पर मुसीबतें तो आएंगी ना। एक तो वो लोग हैं ना, क्रिश्चियंस या ज्यूज या हिंदू नॉन मुस्लिम, जिन्होंने ये दावा ही नहीं किया, एग्री ही नहीं किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी बात ही अलग है, और एक वो है जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर वो मोहम्मद के रास्ते को छोड़कर उन्हीं नॉन मुस्लिम्स के रास्ते पे चलने लग जाता है। तो उसके दावे का क्या करना है? दावे से तो नहीं जो है वो इंसान को जो है उसका रिटर्न बैक मिलेगा रोज़े क़यामत। उसने जो काम किए हैं, जो वर्ब है, वर्बली अगर उसने कुछ किया है, तो उसके थ्रू जो है उसको रिटर्न बैक मिलेगा, पे बैक होगा उसे। ठीक है, तो इसलिए मुसलमानों पर मुसीबत और मुसलमानों पर आज़ाब आता है, क्योंकि एक तरफ वो अल्लाह की बात को एग्री करते हैं, अल्लाह को अपना रब मान लेते हैं, और फिर जो है मुनाफ़कत करते हैं। ठीक है, वीडियो हम लोगों ने वॉच की और आप लोगों ने भी देखा। अच्छा, यहाँ पर मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगी कि मतलब नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स में जो एक बात डिफरेंट है ना, जो डिफ्रेंशिएट करती है नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स को, वो है कलमा। क्योंकि जब आप कलमा पढ़ते हो ना, एक वो कहते हैं ना, एक बीच में एक दीवार है नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के बीच में, वो है कलमा की। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोल देते हो, तो आप वो सारी चीज़ों से अग्री करते हो जो कि अल्लाह और उसके रसूल ने कहीं हैं करने का हुक्म दिया है, और जिनके ना करने का हुक्म दिया है। तो मतलब वो सारे ही अच्छे काम और बुरे कामों से आप अग्री कर लेते हो कि हम अच्छे काम करेंगे और बुरे कामों से अवॉइड करेंगे, जैसा कि अल्लाह और उसके नबी ने हमें बोला है। तो अगर वाकई हमजा वाली बात की अगर आप जो हैं वो काम फिर भी जानते बूझते हुए वो काम करते जाओगे या उन कामों से मना नहीं होगे, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर तकलीफें आएंगी, मुश्किलात आएंगी। और ये वाकई सच है, मुसलमान कौम के ऊपर इस टाइम पर, मतलब एज़ कम्पेयर टू हम अगर होल वर्ल्ड का अगर हम एक छोटा सा एक जायज़ा लें, या हम एक वो कहते हैं ना एक सर्वे करें, तो हमें ये पता चलता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, वो इस टाइम जो है वो ट्रबल का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है। वो इतने प्रोग्रेसिव नहीं हैं, वो इतने जो हैं वो मतलब ऐसे नहीं है कि तरक्की की दौड़ में दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला कर सकें। ये वाकई फैक्ट है, और ये वाकई इंसान की सोच में ये बात आती है कि यार ऐसा क्यों है, हम लोग तो उस अल्लाह के मानने वाले हैं जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, नॉन मुस्लिम है वो तो मानते ही नहीं है, फिर भी वो जो है वो तरक्की कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं हैं। तो ये उनका इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन, या इसका बहुत अच्छा जो एक आंसर मैं कहूँगी इन्होंने दिया है,
वाकई मैं इनकी सारी बातों से अग्री करती हूँ, ऐसा है। मुसलमान सब कुछ जानते हुए भी वो काम नहीं कर रहे हैं जो कि बाकी मुल्कों में वो काम इंसानियत के नाम पे हो रहे हैं। मतलब इस्लाम जो है ना, एक एक वे ऑफ लाइफ है, एक अमल करने का तरीका है, एक मतलब जैसा कि इन्होंने बोला, मैं इनसे 100% अग्री करती हूँ कि इसम नहीं है, ये नाउन नहीं है, बल्कि ये एक वर्ब है, ये फेल है। जो कुछ आप कर रहे हो ना, आपने उसका जवाब दे देना, ये हम लोगों का ईमान है। तो यही इस्लाम है। आप मतलब अगर अगर तो आप अल्लाह और उसके नबी को फॉलो करते हो तो सही तरीके से फॉलो करो, अगर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको आगे जाकर इसका जो है वो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इंसान जो है इस दुनिया में, स्पेशली मैं मुसलमानों को कहूंगी कि वो पूरे भूले में, उनको वाकई याद नहीं है कि हमने इस दुनिया से जाना भी है, और इस दुनिया से जाने के बाद जो कुछ हम इस दुनिया में कर रहे हैं उसका हिसाब भी होना है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी बातें, और 100% मैं इनकी बातों से अग्री करती हूँ। और मुसलमानों को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, लेकिन फिर वही बात कि हम जितना भी वीडियोस देख लें, हमारा थोड़ी देर के लिए ईमान तो ताज़ा हो जाता है, लेकिन फिर वही बात, हम दुनिया में इतने महव हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। सो खैर, ये था मेरा आज का रिएक्शन। होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।